दोस्त, आज हम आपसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ संभाल लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है धार्मिक, और ये सारी बातें आपसे शेयर करके मुझे दिली खुशी हो, और शायद हो भी रही है। दोस्त, वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता कि मुझे मंदिर जाके ही पूजा करनी है या फिर अपनी धार्मिकता निकालनी है, पर मैं जब फर्स्ट टाइम चांदिका देवी गया तो मुझे सुकून सा मिला। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मुझे मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर एक और दूसरा मंदिर है, वहाँ पर जाके और भी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी, वहाँ पर लोकेशन और चीज़ें और तीसरे भगवान। ये जो आप पीछे धार्मिक सा स्थल देख रहे हैं, जो आप पीछे पेड़ वगैरह देख रहे हैं, ये एक ही पेड़ है और इतनी सारी टहनियाँ हैं, इतने सारे इसमें पेड़ इंक्लूडेड हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देख सकते हैं, वैसे तो मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। फैमिली की फोटोज में आगे आपको दिखाता हूँ। कभी कभी इंसान इतना परेशान हो जाता है कि इंसान उसकी मदद नहीं कर सकता, फिर याद आते हैं भगवान। उनको बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, उनको हम अपनी सारी प्रॉब्लम बता देते हैं, और वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, वो हर वो चीज़ बता देते हैं जो शायद हमें बतानी चाहिए। हमें वो अच्छे रास्ते बताते हैं, अच्छी चीज़ें देते हैं हमारी लाइफ में, और हम इंसान इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि भूल जाते हैं कि भगवान का थैंक यू किस तरीके से करना है। जब प्रॉब्लम आती है तभी उनको याद आती है कि हमें भगवान के घर भी जाना है, जैसे कि मैं खुद था। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, बिना कुछ सोचे हमारी मदद करता है। जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है तब हम भगवान को याद करते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। खुशी में भी उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो हमारी मदद हर तरीके से कर पाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी धार्मिक बातें क्यों कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। कहीं ना कहीं हम सब भगवान को तो बहुत मानते हैं, और कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे, पर एक भगवान को हम लोग भूल जाते हैं, वो हमारे हैं माँ बाप, और शायद वो भगवान से बड़े भी हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है कि नहीं। उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है, दुख हो या खुशी, हर माहौल में उनको इंक्लूड करना चाहिए। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा? बहुत दौड़ाया भाई ने। जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।